बयाना। आज पूर्व सैनिक संघ बयाना की ओर से सेना से सेनानिवृत्त होकर आने पर हवलदार हंसराम तंवर दमदमा 9वीं महार रेजिमेंट का सुबह 10 बजे बयाना रेलवे स्टेशन पर बड़े उत्साह के साथ स्वागत सम्मान किया गया। संघ के अध्यक्ष बलराम कावर ने कहा कि यह सैनिक अपनी 17 वर्ष देश की सेवा सेना में करने के बाद सकुशल घर वापस आए। संघ के सदस्यों के द्वारा उनका साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया और इनका सफ़र बहुत अच्छा रहा, नवयुवकों को भी देश सेवा के लिए सेना में जाने के लिए प्रेरित किया गया। हम इन्हें बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप यहां पर भी अपना ईमानदारी से समाज के अनेकों कार्यक्रमों में भाग लें, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें जिससे आप सिविल सर्विस में जा सके। इस कार्यक्रम में उपस्थित सूबेदार प्रवक्ता तेज सिंह कसाना, सूबेदार वृंदावन सिंह, पटवार संघ बयाना अध्यक्ष देवी सिंह गुज्जर, राम खिलाड़ी जगदीश सिंह दायमा, सुनहरी सिंह, अजय पार्षद, करण सिंह सुपा आदि अन्य और भी लोग सम्मिलित हुए। गुर्जर दिसंबर 6, 2004 में भर्ती हुआ था। उसके बाद 17 साल सेना में सेवा करने के बाद 31 दिसंबर 2021 में रिटायरमेंट हुआ और देश के लिए मेरा सेना के लिए योगदान मेरे लिए किस्मत की बात है। और जय भारत। राम राम साहब, आज इस शुभ अवसर पर हमारे भाई हंसराम 17 साल सेना में सेवा दे करके सकुशल अपने घर पर वापस आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे पूर्व सैनिक संघ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप जैसे देश की सेवा में अपना योगदान दिया अच्छे से और सही सलामत अपने घर पर आए, इसी प्रकार समाज में भी और यहाँ पे भी और युवाओं को भी प्रेरित करें और अच्छा मैसेज दें। हम आपसे ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, अपने सैनिक संघ की जो टीम है उसमें आप भागीदारी निभाएंगे।